रमणी इच्छा, वर्ण कौन रूप और रेखा, दूसर कौन आहि जो देखा। ओ ओंकार आदि नहीं वेदा, ताकर कहो कौन कुल भेदा। नहीं तारागण नहीं रविचंदा, नहीं कछु होते पिता के बिंदा। नहीं जल नहीं थल नहीं तिरपवना, को धरे नाम हुकुम को वरना। नहीं कछु होते दिवस निज राति, ताकर कहो कौन कुल जाति। शून्य सहज मन सुमिरते, प्रगट भई एक ज्योति। ताहि पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जो होत। सदूर कबीर परोक्ष उपासना और परोक्ष कर्ता पर प्रश्न करते हैं। वर्णों कौन रूप और रेखा, दूसर कौन आहि जो देखा। संसार में ईश्वर दर्शन और ईश्वर द्वारा जगत के निर्माण की चर्चा खूब होती रहती है। ईश्वर ने दुनिया बनाई, ईश्वर के दर्शन से ही बेड़ा पार होगा। साहब कहते हैं कि उसका रूप क्या वर्णन करते हो, रूप और रेखा, रूप आकार, रेखा चिन्ह, उसका आकार प्रकार क्या है। दूसर कौन आहि जो देखा, दूसरा और दूसरा कौन है जो उसका साक्षी है, जिसने उसे देखा है। तुम्हारी बात तब मानी जाए जब उसकी गवाही दो, कोई और बताए कौन देखा है, क्योंकि देखने में आने वाली चीज रूप है, सुनने में आने वाला जो कुछ है शब्द है, सूंघने में आए वो गंध है, छूने में आए स्पर्श है, चखने में आए रस है, सोचने में आए संकल्प विकल्प हैं। पांच ज्ञानेन्द्रिय और छठा मन द्वारा जो कुछ ग्रहण होगा वो माया है। तो बताओ उसका रूप उसकी रूपरेखा क्या है। ओ ओंकार आदि नहीं वेदा, ताकर कहो कौन कुल भेदा। लोग कहते हैं उसका नाम ओंकार है, प्रणो है, ओंकार को ही प्रणो कहा जाता है। लेकिन यह भी बताया जाता है कि वेद भी उसका आदि नहीं जानते हैं, वेद भी नेत नेत कह करके चुप होते हैं। सबसे अंतिम दौड़ वेद है, वेद तक है, और वेद भी उसका भेद नहीं जानते हैं। तुम कैसे जान गए? ओमकार प्रणो इस शब्द का रचयिता भी तुम ही हो। ओंकार आदि जो जाने, लिख के मेटे ताहि सुमाने, ये ज्ञान चौतीसा के आरंभ में ही कहा गया है कि ओंकार तो सब कहते हैं, लेकिन समझदार तो वह है जो इस चीज को समझे कि ओम को लिखने वाला और फिर उसको काट देने वाला ओम से श्रेष्ठ है। ओम की कल्पना करने वाला मनुष्य जीव है। तो ओम का आदि आरंभ मूल वेद भी नहीं जानता है, तुम कैसे जाने? ताकर कहो कौन कुल भेदा, उसका कुल भेद संपूर्ण रहस्य तुम बताओ। अगर तुम बहुत गारंटी करते हो उस ईश्वर के हमने दर्शन किए हैं, यह वह ईश्वर ही प्राप्तव्य है, तो उसका रहस्य तो बताओ। नहीं तारागण नहीं रविचंदा, नहीं कछु होते पिता के बिंदा।
नहीं जल नहीं थल नहीं थिर पवना कोधरे नाम हुकुम को वरना। उस समय तारागण नहीं थे, सूरज नहीं था, चंद्रमा नहीं था, पिता का वीर्य नहीं था, माता का रज नहीं था, जल थल थिर पवन या चंचल पवन कुछ भी नहीं था। जितने सृष्टिवादी वो सब यही कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं था, एक ईश्वर था, उसी ने सब बनाया। को धरे नाम हुकुम को वरना, तो इन सब का नाम किसने रखा और किसने हुक्म दिया कि हो जाओ। जिसने हुक्म दिया वह ईश्वर है। इसका पता तुम्हें कैसे लगा? नहीं कछ होते दिवस निजराती, ताकर कहो कौन कुल जाती। जिसके निस्वरूप में दिन नहीं है, रात नहीं है, ज्ञान नहीं है, अज्ञान नहीं है, उस ब्रह्म का कुल और उसकी जात क्या है, यानी उसका लक्षण क्या है? कहते उसमें कुछ नहीं और उसी से सब कुछ बन गया। जब उसमें कुछ नहीं तो सब कुछ कैसे बन गया? उसका रहस्य बताओ। इस प्रकार साहब प्रश्न करते हैं। जो स्वरूप ज्ञान छोड़कर, आत्मज्ञान छोड़कर बाहर ईश्वर टटोलते हैं, सदगुरु उनसे बारंबार ये प्रश्न करते हैं कि जिसको तुम खोजते हो, बड़ी प्रामाणिकता से जिसको सिद्ध करने की चेष्टा करते हो, वो तो तुम्हारे मन की कल्पना है। तुम अपने तरफ लौटो। शून्य सहज मन स्मृते भई एक ज्योति, ताहि पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो होत। वस्तः सहज स्मरण करते हुए धीरे धीरे मन की ग्रंथियों को काटते काटते जब चित्त शून्य अवस्था में पहुंचता है, तब एक ज्योत प्रकट होती है, यानी ज्ञान प्रकट होता है। शून्य सहज मन स्मृते प्रकट भई एक ज्योत। सहज मन से स्वरूप स्मरण करते करते, विचारों को शांत करते करते जब मन शून्य हो जाता है, तब ज्ञान ज्योत प्रकट होती है। वृत्ति ज्ञान को, स्वरूप ज्ञान को ढांकती है। हमारी जितनी वृत्तियां हैं स्वरूप ज्ञान को ढांकती है। वृत्ति यानी मन का आकार, मकान की याद आई तो एक वृत्ति है, सड़क की याद आई एक वृत्ति है, मनुष्य की याद आई, गाय की याद आई, जंगल की याद आई, एक वृत्ति है। जैसे पानी जिस ढंग का आकार पाता है वैसे उसका आकार हो जाता है। नाली का जैसे आकार है, पानी उसमें चलता है, पानी का आकार वैसे हो जाता है। इसी प्रकार मन जिन जिन वस्तुओं और व्यक्तियों को ग्रहण करता वैसे वैसे उसका आकार बनता रहता है, और वही मनोवृत्ति है। यह मनोवृत्ति स्वरूप ज्ञान को ढांकती है, और जब सारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं तब स्वरूप ज्ञान का उद्घाटन होता है। हम मन में पदार्थों को लेते हैं, प्राणियों को लेते हैं, स्थानों को लेते हैं, चीजों को लेते हैं, और उससे हमारा स्वरूप ज्ञान ढका रहता है। सारी वृत्तियां जब छट गईं तब अपने आप रहा। जैसे कोई मूर्ति कपड़े से ढकी हो, और जब कोई नेता आता है तो उसका अनावरण करता है, आवरण हटा देता है, पर्दे का आवरण हट गया तब मूर्ति दिखाई देती है। चित्त वृत्ति आवरण है स्वरूप ज्ञान पर। जो कुछ हमारे मन का सोचना है उस स्वरूप ज्ञान का आवरण है। जब सोचना बंद होता है
तो आवरण खत्म हो जाता है, तब स्वयं रह जाता है सोचने वाला दृष्टा साक्षी। सहज मन से स्मरण करते करते, विचार करते करते जब चित्त शून्य हो गया तब प्रकट भई एक ज्योत, तब एक ज्ञान ज्योत प्रकट होती है। ये कोई मत समझे कि आंख से वो दिखाई देने वाली कोई ज्योति है, अभिप्राय ज्ञान उदय होता है, अपने आप का बोध होता है। जब हम बाहर देखते हैं अपना बोध कैसे हो, एक मकान में ऊपर बैठ करके जंगले से हम बाहर देखते हैं तो अपने आप का ख्याल नहीं रहता है, और जब हम खिड़की बंद कर लेते हैं, जंगला बंद कर लेते हैं, अपने तरफ देखते हैं तो अपना ख्याल आता है। मन और इंद्रियों द्वारा बाह्य जगत का हम जितना स्मरण करते रहते हैं उतना अपने आप को हम भूले रहते हैं। बाहर का स्मरण शांत हुआ तब अपने आप का बोध होता है। जब बाहर से मन लौटे तो अपना बोध हो, इसलिए मनोवृत्ति के शांत होने पर स्वरूप ज्ञान का उद्घाटन होता है। ताहि पुरुष की मैं बलिहारी निराल अम्बजो होत। साहब कहते मैं उस पुरुष के ऊपर बलिहारी हूं। बलिहारी नाम प्रशंसा, धन्यवाद, निछावर। मैं उस पुरुष पर, उस व्यक्ति पर अपने आप को निछावर करता हूं, उसको धन्यवाद देता हूं। निरालंब जो होत, जो निरालंब हो जाता, निरालंब का मतलब निराधार, असंग। असंगो हम पुरुष, ये श्रुति भी कहती है, ये पुरुष असंग है। मन को शांत करो, अपने आप रह गया, फिर और किस भगवान को पाना चाहते हो? किसी भगवान के आकार को गढ़ना और ध्यान का विषय बनाना ये मन की ही लीला है, और जब मन खत्म हो जाता है तो वहां कोई भगवान नहीं रहता। जब तक मन है तब तक भगवान की कल्पना है। धनुर्धारी भगवान, कमलधारी भगवान, बंसीधारी भगवान, चतुर्भुज भगवान, निराकार भगवान, साकार भगवान, हमारी मन, हमारे मन की जो जो कल्पना भगवान के विषय में होती है, जब तक इस ढंग का मन रहता है तब तक वो सामने झलकता है। और जब मन शून्य हो गया, मन ही शांत हो गया, तो सब भगवान शांत हो गया, तब रह गया परम भगवान जीव आत्मा। ये स्वयं ही भगवान है, मन का बनाया भगवान मन के शांत होने पर शांत हो जाता है, और तब स्वयं आत्मा ही भगवान है। साहिब कहते मैं उस पुरुष की प्रशंसा करता हूं जो निरालंब हो जाता है, सारे आलंबनों को छोड़ देता है, सारे आधारों को छोड़ देता है। ईश्वर खोजता नहीं है, महसूस करता है मैं स्वयं ईश्वर हूं। ब्रह्म और परमात्मा और सुख और मोक्ष खोजता नहीं है, जो अनुभव करता है कि मैं स्वयं ब्रह्म हूं, राम हूं, परमात्मा हूं, कल्याण स्वरूप हूं और कृतार्थ स्वरूप हूं। तो साहब कहते हैं तुम बाहर क्या खोजते हो, कैसे आकार को ग्रहण करते हो, उसका रूपरेखा क्या है? सृष्टि अनादि और अनंत है। इस पर साहब अर्थापत्ति प्रमाण से अपनी वाणियों में सिद्ध करते पूछ करके। अर्थापत्ति प्रमाण का अर्थ होता है जैसे कोई कहे केशव दिन में भोजन नहीं करता लेकिन वो स्वस्थ है, तो इसका मतलब रात में करता है, ये अर्थापत्ति प्रमाण है। साहब प्रश्न करते हैं कर्तावादियों से, और प्रश्न करके खंडन करते हैं, इसलिए सिद्ध होता है कि साहब जगत अनादि मानते हैं।